हेलो एवरीवन तो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप क्या है तो इस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है अबाउट फंक्शनल ग्रुप और इस लेक्चर से आप अपने लिए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमने किस तरह डिफाइन करना है फंक्शनल ग्रुप एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन एटम्स अल्केन के मेंबर से और अल्केन के मेंबर्स को ये जो एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है एक करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी देता है और इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप अन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स इन इनकेन एंड गिव केमिकल प्रॉपर्टी टू इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जाम्पल सी एच फोर सी एल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्लोरीन है ये एटम्स है या नहीं अब ये जो क्लोरीन है ये सी एच फोर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है और इसकी जगह पर ये अटैच हो जाता है तो ये जो सी एच फोर है ये हमारे पास अल्केन का मेम्बर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सी एच थ्री सी एल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लोरीन आइटम से इसने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया या नहीं इसने हाइड्रोजन एटम एक रिप्लेस कर दिया तो ये जो हमारे पास क्लोरीन है ये हमारे पास क्या फंक्शनल ग्रुप है नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं सी एच फोर सी एच फोर हमारे पास अल्केन का मेम्बर है अब ये जो ओ OH एच है ये ग्रुप ऑफ एटम्स है OH. ओ एच तो आप, आप देख सकते कि सी एच फोर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है ओ एच एंड सी एच थ्री ओ एच की फॉर्मेशन हो जाता है तो हाइड्रोजन की जगह पर ओ एच अटैच हो जाता है अब ये जो हमारे पास ओ OH एच है ये हमारे पास क्या है ये फंक्शनल रूप है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें अब फंक्शनल ग्रुप का सेकेंड डेफिनेशन करते हैं फंक्शनल ग्रुप एटम्स होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि स्पेसिफाई करता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अन आर्गेनिक कंपाउंड और इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि स्पेसिफाई करता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अन आर्गेनिक कंपाउंड इस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल रूप एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि स्पेसिफाई करता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की और इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आप देख सकते हैं सीच थ्री एफ सीच थ्री एफ मिथाइल फ्लोराइड अब ये जो फ्लोरीन है ये एटम्स है और इसने स्पेसिफाई केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड सी थ्री एन एच टू मिथाइल एम आई अभी जो एन एच टू है ये ग्रुप ऑफ एटम्स है और इसने स्पेसिफाई किया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड आर्गेनिक कंपाउंड में एक्टिव पार्ट होती है और इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप एक्टिव पार्ट ऑफ अनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप तो ऊपर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सी थ्री एफ है और सी एच थ्री एनएच टू है ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें जो एक्टिव पार्ट है ये फ्लोरीन है और एन एच टू है और ये हमारे पास क्या है फंक्शनल ग्रुप है ये अपने साथ नोट करें आर्गेनिक कंपाउंड मुश्कमल होता है दो हिस्सों पर आर्गेनिक कंपाउंड कंजिस्ट ऑफ टू पार्ट्स आर्गेनिक कंपाउंड मुश्किल होता है दो पार्ट्स पर एक होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट्स जो कि अल्काइल ग्रुप्स होती है या अल्काइल रेडिकल और एक होते सेकेंड वन द फंक्शनल ग्रुप पार्ट्स फॉर एग्जांपल मितानोल फॉर इन इनमिथान मिथानॉल का जो फार्मूला है वो है सी थ्री ओ एच अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख सकते हैं कि जो सी थ्री है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है और इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल अल्काइल ग्रुप को हम अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं सेकेंड पार्ट अब ये जो सेकेंड पार्ट है ओ एच ये फंक्शनल ग्रुप पार्ट है ये अपने साथ नोट करें अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिस करते हैं एग्जाम्पल के साथ फंक्शनल ग्रुप नेम ऑफ द क्लास एंड एग्जाम्पल ये जो ओ एच है ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ओ एच एग्जाम्पल सी थ्री या अल्काइल रेडिकल है ओ एच ओ एच फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का मिथोनॉल सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप है अल्डीहाइड अल्डीहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सी एच ओ है C3, CHO. ये, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल अटैच होती है सी थ्री सीओ सी थ्री प्रोपेनोन सी डब्ल ओ एच फंक्शनल ग्रुप है कार्बोऑक्सिलिक एसिड का सी एच थ्री सी डबल ओ एच फार्मिक एसेड एन एच टू आमीन का फंक्शनल ग्रुप है और इसका जो एग्जांपल है सी थ्री एन एच टू मिथाइल एमाइन आइन एक्स एक्स फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हेलाइड का और इसका जो एग्ज़ाम्पल है सी थ्री सी एल डैश ओ डेश ये फंक्शनल ग्रुप है इतर का ये जो डैश है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके साथ अल्काइल रेडिकल अटैच हुआ है यहाँ पर आप देख सकते सी थ्री ओ सी एच थ्री ये हमारे पास है एग्जाम्पल इतर का तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो देन शेयर विद फ्रेंड थैंक फॉर वाचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वायर इस वन ये जो ओ है और इसके साथ जो डैश लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसके साथ अल्कोल रेडिकल अटैच होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि सी थ्री ओ सी एच थ्री ये जो अल्कायल रेडिकल है अटैच है या नहीं दोनों साइड पे ऑक्सीजन के साथ अल्कोल रेडिकल अटैच है और यह है एग्जाम्पल इधर का अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो देन शेयर विद फ्रेंड थैंक फॉर वाचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट फट जल्दी सब्सक्राइब करें